खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। घाटकोपर में झूठी शान के लिए बेटी की हत्या का मामला सामने आया है। प्यार पर फिर तथाकथित इज्जत भारी पड़ गई। मामला मुंबई के घाटकोपर का है, जहां ऑनर किलिंग की घटना हुई है। मीनाक्षी और ब्रजेश इलाहाबाद के रहने वाले थे और दोनों 4 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। जब मीनाक्षी के घर वालों को दोनों का प्यार मंजूर नहीं हुआ तो दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली और दोनों मुंबई के घाटकोपर में रहने लगे। बीबी का पापा बुलाए में जा रहे हैं, तो ये सोच के जो है मैं बोला ठीक है पापा घर पे आएंगे तो जाना नहीं मत जाना। मैं उसका पापा बाद में 8 बजे के बाद मेरे पास फ़ोन नहीं आया। उसका पापा बाद में फ़ोन करके बाहर बुला लिया, फिर क्या किया सर मुझे मालूम नहीं। आरोप है कि शादी से नाराज मीनाक्षी चौरसिया की उसके पिता ने मुंबई में ही गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आस्था ईशान कहा तो झूठी शान कहलाएगी, और इस तरह के जो किस्से और कहानियां हैं ना, ये आए दिन सामने आ रहे हैं। कल भी बरेली की हमने खबर दिखाई थी और आज साक्षी मिश्रा जैसी कहानी भोपाल से सामने आई है। यहाँ एक वीडियो सामने आया है जिसमें युवती लव मैरिज के बाद परिजनों से डर की बात कह रही है। मेरा नाम दीक्षा अग्रवाल राजपूत है और मैंने ऋतुराज सिंह राजपूत से 5 जुलाई 2019 को पूरे होशो हवास में और अपनी मर्जी से शादी की है। इंटरकास्ट लव मैरिज के बाद परिवार पर प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली ये एक और साक्षी है। नाम दीक्षा, शादी से पहले दीक्षा अग्रवाल थी लेकिन अब दीक्षा अग्रवाल राजपूत। यदि भविष्य में हमें कोई भी हानि पहुंचती है तो उसके जिम्मेदार मेरे दादाजी, पिताजी, मेरी बुआ, फूफा और दुबे जी होंगे। साक्षी के पिता विधायक हैं और दीक्षा के दादा यूपी में प्रयागराज के पूर्व उप महापौर। इसी वजह से दीक्षा को परिवार के रसूख से डर लग रहा है। दीक्षा अभी ससुराल के साथ भोपाल में रह रही है। आप लोग से निवेदन करती हूँ कि आप पुलिस प्रशासन की मदद से और अपना पॉलिटिकल पावर यूज करके कृपया हमें तंग करना बंद कर दें। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने पति के साथ में सुख चैन से जीना चाहती हूँ, इसलिए कृपया मुझे, मेरे पति को और मेरे ससुराल पक्ष को तंग करना बंद कर दें। दीक्षा के ससुर कहते हैं कि दीक्षा के घर वाले भोपाल में ही डेरा जमा कर बैठ गए हैं। कुछ दिन पहले घर आकर डराया धमकाया भी था। सब प्रकार से मुझे उन्होंने, उनकी बहन ने यहाँ तक कहा कि हम पूरे मोहल्ले में तुम नंगा कर देंगे, सब प्रकार से तुम्हें बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं रहने। लव मैरिज का ये मामला कानून की चौखट तक पहुंच गया है। वीडियो जारी कर परिजनों से जान का खतरा बताने वाली दीक्षा पति ऋतुराज के साथ लापता है।